हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब के हे बेबी चैनल में स्वागत करती हूँ। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, खास करके छोटे बच्चे के लिए। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, कैल्शियम उनकी ओवरऑल हड्डियों की मजबूती में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बचपन में बच्चे को सही अमाउंट में कैल्शियम नहीं मिल पाता है तो इसका इम्प्लीकेशन बाद में बड़े होने के बाद भी देखा जा सकता है। बचपन में कैल्शियम की कमी डायरेक्ट बोन की डेंसिटी को इफेक्ट करता है। शिशु को अपना कैल्शियम ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से मिलता है। 6 साल से कम के बच्चे को एक दिन में कम से कम 200 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो इससे रिकेट्स डिजीज होती है। छोटे बच्चे को और शिशु को रिकेट से बचने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत बहुत होती है। रिकेट्स हड्डियों को कमज़ोर करता है, इससे बच्चों के पैरों में झुकाव आता है। ये बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और ये कभी कभी दर्द या कमजोरी का कारण बनता है। चलिए अब जानते हैं बच्चों में कैल्शियम की कमी क्यों होती है। प्रीमेच्योर बेबी और लो बर्थ वेट बेबी में ये कॉमन होता है क्योंकि ऐसे बच्चों का पैराथायराइड ग्लैंड कम मैच्योर होता है। जिन बच्चों के डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है या जन्म के दौरान अगर माँ को डायबिटीज है तो बच्चे को कैल्शियम की कमी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर कैल्शियम वाले फूड्स नहीं लेती हैं, इससे भी बच्चे को कैल्शियम की कमी होने का रिस्क होता है। इसके अलावा बच्चे में विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम की कमी होती है। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो आपको उनमें कौन कौन से साइन देखने को मिलेंगे। अगर बच्चे का दांत देर से निकलता है और बच्चे के दांतों में गैप होता है तो हो सकता है उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। बच्चे के बिहेवियर में चेंज होना, जैसे बच्चा काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल या चिड़चिड़ा हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि बच्चे के बॉडी में कैल्शियम की कमी है। बच्चे को भूख कम लगना भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। बच्चे को रात में सोने में प्रॉब्लम होना या बच्चा कंटिन्यू रो रहा है, उसे डर लग रहा है, इन सब का रीज़न कैल्शियम की कमी हो सकता है। अगर बच्चा बहुत आईज ब्लिंक कर रहा है तो ये भी कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अगर आपके बच्चे को कैल्शियम की कमी है तो आप उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल हे बेबी को सब्सक्राइब करें।